नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आइए शुरुआत करते हैं खबर दिन भर की इस वक्त की खास सुर्खियों के साथ। धरिमंदा में शिक्षा विभाग का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां निजी स्कूलों के संचालन के लिए सरकारी भवन को किराए पे दिया जा रहा है। जी हां, धरिमंदा के शिक्षा विभाग का चौंकाने मामला ये मामला सामने आया है, जिसमें शिक्षा विभाग की पोल खोल के रख दी है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में राज्य सरकार ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करते हुए बंद कर दिया था, जिसको शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने साठ गांठ करके नियमों को ताक में रखते हुए सरकारी स्कूल के भवन को किराए पर ही दे डाला। जी हां, एक निजी स्कूल के संचालन हेतु इसे न्यूनतम किराए पर दे दिया गया, जिसे साफ तौर पर सरकारी स्कूल में निजी स्कूल का संचालन होना निजी विद्यालय को बढ़ावा देता हुआ साफ नजर आ रहा है। इस संबंध में जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी कैमरे के सामने आने से तैयार नहीं था। अब देखना ये होगा कि शिक्षा विभाग इस मामले को किस हद तक गंभीरता से लेता है, कोई कार्रवाई करता है या नहीं। अगली खबर जहां सवाई माधोपुर से है, जहां उखंड बौली में पूर्व में हुई बारिश के बाद अब सत्र के सबसे घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि फरवरी माह में वर्षों बाद इतना घना कोहरा देखा गया है। वही सर्दी के तीखे तेवर के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज सुबह से विजयगढ़ पहाड़ी कोहरे की चादर ओढ़े नजर आई। वही मुख्य रोड पर कोहरे के चलते विजिबिलिटी में भी खारी कमी नजर आ रही है। बसंत वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। वाहन चालक दिन में भी वाहनों की लाइट जलाने को मजबूर हो गए। जोधपुर के ओसिया में प्रजापत छात्रावास में यादें जयंती महोत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक दिव्या मदेरणा ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रजापत समाज एक आदर्श समाज के रूप में जाना जाता है। समाज के शिक्षित युवाओं और बालिकाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में समाज का नाम रोशन किया है, जो कि गर्व का विषय है। विशिष्ट अतिथि भिकाराम प्रजापत ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन का होना जरूरी है। वही प्रतिभा सम्मान समारोह के अंतर्गत शिक्षा, खेलकूद, एनसीसी और सरकारी सेवा में कार्यरत समाज की 64 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रजापत समाज के अध्यक्ष उम्मेदाराम सियोटा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं यादव जयंती महोत्सव पर विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार कमलेश पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति देकर पंडाल में बैठे सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस दौरान जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा जोधपुर भिकाराम प्रजापत, बीसीएमओ बीएल प्रजापत, अधिशासी अभियंता नारायण लाल भोगरिया, अध्यक्ष प्रजापत समाज उम्मेदाराम सियोटा और प्रधानाचार्य रामलाल प्रजापत, प्रकाश भोगरिया, तुच्छाराम, बलाराम, लूणाराम प्रजापत, भंवरलाल आदि अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस मुख्यालय द्वारा संपूर्ण राजस्थान में अवैध हथियारों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक धौलपुर अजय सिंह द्वारा धौलपुर जिले में आर्म एक्ट के अधिक से अधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर पुलिस उपाधीक्षक सैपो हिमांशु जांगिर के निर्देशन में सैपो थानाधिकारी अभिजीत कुमार के नेतृत्व में आर्म्स एक्ट में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सैपो थानाधिकारी ने हेड कांस्टेबल फतेह सिंह, कांस्टेबल रवि और वीरेंद्र के साथ टीम गठित कर रात्रि करीब 10:30 बजे के दौरान गश्त कर गढ़ी चोटिला मोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति के पास अवैध हथियार लेकर घूमने की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में हुबालाल पुत्र श्रीपत जाति कुशवाहा उम्र करीब 55 साल निवासी गढ़ी चोटिला को 315 बोर के देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे धारा 325 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त हुबालाल को गिरफ्तार किया गया। हुबालाल से अवैध हथियार के बारे में फिलहाल पूछताछ जारी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर टीम द्वारा नीमराना अलवर में कार्यरत जेवीबीएनएल के सहायक अभियंता रमेश चंद्र मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिरीक्षक श्री दिनेश एमएन ने बताया कि परिवादी मैसर सवानी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स लिमिटेड के मालिक देवी सिंह ने एसीबी में यह शिकायत दी थी कि रिको औद्योगिक क्षेत्र शाहजहांपुर में 33 केबी 11 केबी और एलटी लाइन को अंडरग्राउंड कराने का वर्क ऑर्डर 2.38 करोड़ रुपए का रिको द्वारा 3 जनवरी को मैसर स्वामी इलेक्ट्रिकल वर्क्स को दिया था। इस कार्य को फर्म ने जुलाई 17 में ही पूरा कर दिया था। इस कार्य के लिए रिको विद्युत विभाग सहायक अभियंता नीम राणा को सुपरविजन करना था। रिको अधिशासी अभियंता ने नीम राणा सहायक अभियंता JVVNL को 9 तारीख को यह कार्य पूरा कम्प्लीशन प्रमाण पत्र करने के लिए आदेशित कर रखा था, क्योंकि फर्म का 1 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया था। सहायक अभियंता नीम राणा रमेश चंद्र मीणा को ओवरहेड लाइन में शटडाउन और अंडरग्राउंड लाइन में विद्युत आपूर्ति चालू करने के एवज में परिवादी से 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग करना भारी पड़ गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर एसीबी चौकी प्रभारी श्री सलेम मोहम्मद के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवा कर आज सहायक अभियंता नीम राणा रमेश चंद्र मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और अग्रिम कार्रवाई जारी की गई। शेरगढ़ में पंचायत समिति के सभागार में माह के प्रथम गुरुवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत समिति शेरगढ़ के पंचायत समिति देचू के समस्त अधिकारी गण उपस्थित रहे। जनसुनवाई के दौरान पानी, बिजली, रोड और चिकित्सा के साथ शिक्षा के मुद्दे जोर शोर से छाए रहे। हमारे संवाददाता दिनेश परमार द्वारा शेरगढ़ से कासू रामनगर जाने वाली ग्रेवल सड़क की मरम्मत का कार्य करवाने, शेरगढ़ से चुन्नी लाल जी मेघवालों की ढाणी में पानी पाइपलाइन डालकर पानी की समस्या को दुरुस्त कराने और शेरगढ़ के न्यू बस स्टैंड पर शौचालय का निर्माण कराने और शेरगढ़ में कई दिनों से बंद पड़े सीसीटीवी कैमरे को पुनः ठीक करवाकर सुचारू करवाने के साथ शेरगढ़ से सुथारों की ढाणी जाने वाली रोड को ग्रेवल सड़क के रूप में निर्माण कराने का मुद्दा उठाया गया था। पद्माराम सुथार द्वारा भी यह मुद्दा उठाया गया था। रामगढ़ में अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत चल रहे गेहूं के घोटाले को लेकर शेरगढ़ में जनसुनवाई के दौरान देजू पंचायत समिति के पानी, बिजली, भी चिकित्सा सुविधा जनसुनवाई के दौरान छाए रहे। जनसुनवाई के दौरान शेरगढ़ विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान, देचू विकास अधिकारी ने दिनेश सिंह भाटी, BCMO जोगेंद्र प्रसाद, राजेंद्र माथुर, गायर सिंह, जोगेंद्र सिंह, सरपंच देवीलाल राव, नरेंद्र पाल सिंह और परशुराम आदि के साथ चर्चा की। डूंगरपुर शहर के 8 किलोमीटर से दूर छैला खेरवाड़ा गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने 3 मकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर बीती रात 3 घरों से जेवर, नकदी सहित घरेलू सामान चोरी कर ले गए। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार बीती रात में हेड कांस्टेबल भगवान सिंह सहित के घर पर चोरों ने मकान के ताले तोड़कर कीमती सामान लिया और फरार हो गए। वारदात के समय तीनों मकान मालिक उदयपुर में थे। चोरों ने वारदात के दौरान तीनों मकानों के ताले तोड़े और चोरी की मकान से पहले गहनों और नकदी चोरी करने के बाद सूटकेस और बक्से को घर से दूर ले जाकर खेतों में फेंक दिया। लोगों का कहना है कि आज तक इस गांव में चोरी नहीं हुई, मगर अब चोरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसमें कपड़ों में पैसे थोड़े और रखती हैं चुपके से। खंडार के गांव इटाउदा में बुधवार की रात पंचायत समिति सदस्य चुन्नी लाल के घर में सेंधमारी कर 1 लाख रुपए और जेवरात के साथ जमीन का आवश्यक दस्तावेज चोरी हो गए और एक सदस्य के घर में रखी मोटरसाइकिल को भी लेकर चोर भाग गए। जागने पर घर वालों ने पुलिस को सूचना दी और तब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुंडी खोलकर घर वालों को बाहर निकाला। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाकेबंदी की तो पीड़ित की मोटरसाइकिल जंगलों से बरामद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीड़ित पंचायत समिति सदस्य चुन्नीलाल गुर्जर ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ रात को 11 बजे के आसपास सो गए थे, तो पीछे से अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर जिस कमरे में सो रहे थे उसकी कुंडी लगा दी और दूसरे कमरे में पेटी में रखे जमीन के कागजात, पेटी में रखे 1 लाख रुपए नकद और 2.5 तोला सोने के आभूषण चोरी कर लिए। जाते समय चोरों ने घर के सामान को इधर उधर बिखेर दिया। सुबह 4 बजे जगने पर बाहर से कुंडी लगी मिली तो चुन्नीलाल ने अपने छोटे भाई को फोन कर बुलाया। छोटे भाई केशव ने घर आकर देखा तो चोरी की बात बताई। फोन पर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी की तो पंच नीमड़ी खाड के कुएं के पास मोटरसाइकिल मिली। खंडार थाना अधिकारी रोहित चावला ने बताया कि पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है।
डूंगरपुर के गोठड़ा में ग्रामीणों ने आपसी सहमति से मिलकर 16 साल से अवैध कब्जे को हटवा कर खेल के मैदान को सुरक्षित कर लिया। यह हम बात कर रहे हैं साबला ब्लॉक के गोठड़ा गांव की, जहां पर खेल मैदान की आवंटित भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसको ग्रामीणों ने प्रशासन की सहायता से आपसी रजामंदी से उक्त कब्जे को मुक्त करवा लिया और खेल मैदान को सुचारू और उपयोगी बनाने के लिए जेसीबी कार्य प्रारंभ करवा दिया। खेल मैदान तकरीबन 6 बीघा के आसपास आवंटित हुआ था, जिसे मवेशी चराने हेतु कब्जा किया हुआ था, जिससे ग्रामीणों ने साबला उप प्रधान देवी सिंह और सरपंच पछला सा बड़ा के शंकरलाल मीणा के सहयोग और आपसी रजामंदी से उक्त कब्जे को मुक्त करवाया। यह खेल मैदान 24 समाज के हर साल होने वाले क्रिकेट के महाकुंभ से भी जोड़ा जा रहा है। 75% से ऊपर के ग्रामीण 24 समाज के साल क्रिकेट का महाकुंभ गोठड़ा में करवाने के लिए जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए युवा वर्ग ने अभी से ही मैदान के साथ सजा और व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। शीतकालीन सत्र में होने वाले इस महाकुंभ के लिए उनके जोश को देखते ही बनता पड़ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान गुरुवार को यातायात नियमों की जानकारी के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से एक मानव श्रृंखला श्रीगंगानगर में बनाई गई। मानव श्रृंखला शिव चौक से लेकर सूरतगढ़ बाईपास तक बनाई गई, जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों, स्काउट गाइड सहित पुलिस के जवानों ने भी भाग लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के दौरान ये मानव श्रृंखला बनाई गई थी, जिसका उद्देश्य आम जन को यातायात के प्रति जागरूक रहकर पालना करने का संकेत दिया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद मदन नकाते, पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत शर्मा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हितिका यासल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेंद्र सिंह, जिला परिवहन अधिकारी सुमन, सीओटी सीटी रोशन पटेल, यातायात प्रभारी आनंद गिल सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्यों ने भी भाग लिया। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।